मेरे यहाँ स्टेडियम की जगह नहीं है लोगों के पास, और जनता को एक एश्योरेंस दिया कि उनकी ग्रीवांसिस का संज्ञान का हमारे डीडीसी चेयरपर्सन श्री भरत भूषण जी का, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज को हाईलाइट किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डीसी सर। मैं पंच हूँ, सरपंच बेचारा क्या करे, बहुत बुलाता है तो क्या इन लोगों को जरूरत नहीं। प्रोवाइड किया जाए एक मुलाजम जो साफ सफाई और हमारा आंखें खुला रहे। दूसरा सर, सफाई कर्मचारी जैसे पुष्पी जी बैठे हुए हैं, ये ना समझे कि हमारी ये कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे लोकल बॉडी के लिए म्यूनिसपालिटी के लिए प्रोवाइड है सफाई कर्मचारी, ऐसे हमें सीआरआई में भी सफाई कर्मचारी होने चाहिए। पहली बार जो अफसर आंदे दस तो फर्स्ट उन्होंने पूछिए कि पिछली बार ही असि थे दरबार आया सी पंचायत के अंदर, ओदा तुसी के लोका च देखा के डिपार्टमेंट कराई जा फाइल साधी किथे छड़ी जा के ने। मगर जनाबे वाला दूसरी बार जरा कोई अफसर आंदा और दूसरा हो दूसरी जेल च आ रहा, वो कहता पिछली गल का मेनू भाबा कोई पता नहीं थे, ए हुण भी गल करो। फिर असि उथे पाउने फिर दरबार ला लिया, लोकी कोई खंभे लिखांदे कोई सड़कां कोई नालियां कोई मकान लिखांदे। गोयल साहब तीसरी बार भी उही सानू फेस करना पैदा कि तीसरी बार भी कोई होना था सर, और कहता मेनू दो तरह का पता कर लिया उधर मीटिंग करा लो। गोयल साहब एक कहना चाहना ये बहुत अच्छा स्टेप है, अब तुम आयो सानू मौका मिलिया तो गल करने का। मैं तो दिल की गहराइयों का शुक्रिया अदा करा कि असि मौके मिले तो विचार गल करना और अपना जी दुख से भी दसंगा इस तरह के तुम मार। 25,000 किसान है वो सर प्राइम मिनिस्टर वो बीमा योजना में वो कवर होते हैं, लेकिन 40,000 से 50,000 किसान ऐसे हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते। तो मैं समझता हूं उनको एक स्कीम है जो SDRF और NDRF उसमें इनको कवर किया जाए और इनको भी जो मुआवजा है वो दिया जाए ताकि इन किसानों को भला हो। दूसरा सर, ये बात नहीं आई है कि खासकर किसान लोग सर बिजली के बिलों से बहुत परेशान है, तो उनका समाधान किया जाए, उनको वेव ऑफ किया जाए, कोई ऐसा स्कीम मतलब बनाई जाए, या फिर जो एमनेस्टी स्कीम हो कुछ राहत मिले, नहीं तो जो बहुत परेशान है दुखी है जो बड़े लाखों लाखों के हिसाब से गरीब तो रुका पाएंगे। दूसरा सर, जितने भी आम कोई हाल बहुत खस्ता है इसे कंप्लीट किया जाए, साथ ही जो हमारे सुचेतगढ़ रोड मतलब रोड जा रहा है उसका भी काम चल रहा है, लेकिन उसे सर जल्दी कंप्लीट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां तो आज नेशनल इंटरनेशनल जो वो विजिटर हैं वहां आ रहे हैं, तो बहुत सारे वहां से जल्द कंप्लीट किया जाए। ये जो जैसे मेरे साथी ने कहा ये हमारा बड़ा पुराना हॉस्पिटल है ताकि वो पब्लिक की बट ये सारी चीजें साथ करने की जरूरत है। अब ये बॉर्डर ब्लॉक है, ये जानबूझ के मैंने आर एस पूरा चूज किया। अगर आप सोचें क्यों आर एस पूरा, तो आर एस पूरा सोच के किया है। यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज इमर्ज करेंगे, बॉर्डर ब्लॉक है, बॉर्डर सब डिविजन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसी के पास भी कोई सूचना है, कुछ लोगों ने इशारा किया लेकिन कोई सूचना किसी ड्रग ट्रैफिकर के बारे में, तो आप कॉन्फिडेंशियली डीसी साहब से शेयर कीजिए, एसएसपी साहब से शेयर कीजिए, क्यों नहीं। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इनको कानूनी तौर पे डील किया जाए जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है सोसाइटी को आगे डैमेज ना कर पाए। मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन मेरे सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम का आयोजित किया, और मेरी कोशिश है कि जितने भी रिप्रेजेंटेशन आए हैं मैं पर्सनली कोशिश करूँगा कि उनको एक रिव्यू कुछ समय बाद उस पर रू से पता चले कि क्या कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पर है जिससे कि कल को ये बात ना सुननी पड़े जो हमारे स्पीकर ने कहा कि साहब हर बार कोई ना कोई आता है बदल जाता है, तो मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता हूँ। बाकी इसी वायदे के साथ मैं आपसे
रुख्सत होना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी 6 दिन के लिए हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो अल्ट्रासाउंड लोगों का कर सके। एक्सरे मशीन है जो दिन दिन में चलती है, जो नाइट में हमें इमरजेंसी यहाँ पर डॉक्टर तो बैठते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई टेस्ट करवाना है तो वो हमारा किसी किस्म का कोई टेस्ट जो है वो नहीं हो पाता। हम उस टेस्ट की जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकते, ये इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर नशे की भी बात हुई, लेकिन मेरे आरसपुरा पुलिस थाने ने, मेरे आरसपुरा के जो अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने आरसपुरा टाउन के अंदर बहुत हद तक जो है वो नशे के ऊपर उन्होंने अंकुश लगाया, उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन मुझे जो परेशानी आ रही है आगे, गोविंद साहब मेरी ये परेशानी थोड़ा ध्यान से सुने, मेरी ये समस्या है कि मेरे टाउन के अंदर रेलवे स्टेशन पड़ता है 1947 से पहले का, वहां पर जो लोग रहते हैं हम प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है उनको नहीं दे सकते। जब रेवेन्यू के पास जाती है फाइल तो वो लिख देता है कि ये रेलवे की जगह है, लेकिन वहां पर हमारे लोग 47 से पहले के रह रहे हैं। अगर हम वहां पर उनको अधिकार नहीं दे रहे तो एलजी सरकार 5-5 मरले लोगों को प्लाट दे रही है, वो भी लैंड लेस है, उनको भी उसमें रखा जाए, उनको 5 मरले प्लाट दिया जाए ताकि वो भी अपना घर बना सके, वो कह सके कि हम भी अपने घर में रहते हैं, ना कि वो रेलवे में रहते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के वो रह गए थे गरीब लोगों को, हमने उसकी सूची बनाई, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भेजा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कस्टोडियन लिख दिया या स्टेट लैंड बर्बाद होने का मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 2-3 दिन से मैं टच में हूँ, तो उन्होंने तकरीबन लिस्टें तैयार कर ली हैं, तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उनके साथ लगाया जाए, जितना जल्दी हो सके लोगों को मुआवजा जो है जल्द से जल्द दिलवाया जाए। तो दूसरी बात एक और रखना चाहूंगा एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही, कि हमारे यहाँ जब प्लान बनते हैं तो पता लगता है कि 5,000 करोड़ रुपया आया है। तो जरा बात बड़ी गौर से सुनने वाली है कि 5,000 करोड़ रुपया आया है तो लोगों को 5,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपया ऐसा प्लान बने कि जो हमारे लोगों की जरूरत है, जहां से लोगों से पूछा जाए, पीआरआई मेंबर से पूछा जाए, हमारे लोगों को कंसल्ट करके दिया जाए। जहां पर पहाड़ी इलाके के निस्वत वहां पे कम ट्रैक्टर्स की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है, लेकिन हमारे जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल प्लेन इलाका है जहां पे मशीनरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे लोगों को ट्रैक्टर्स चाहिए, सुपर सीडर चाहिए, और ये सब चीजें अगर लोगों को प्रोवाइड की जाएगी तभी हमारा किसान जो है खुशहाल होगा, आगे बढ़ सकेगा, तरक्की कर सकेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम, मशीनरी की बहुत जरूरत है। बड़ा पुराना जो हॉस्पिटल है आरसपुरा, लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं, ऐसी ऐसी मशीनरी है वो भी आरसपुरा हो गए, 55 साल उम्र मेरी भी हो गई है, उससे भी पहले से चल रहे हैं, तो इन हॉस्पिटलों में आज लोगों को जम्मू जाना पड़े, इसके लिए जहां जितनी भी मशीनरी की जरूरत है वो जहां प्रोवाइड कराई जाए, जल्द से जल्द कराई जाए, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम इन सब चीजों को हाई लेवल पे डिस्कस करेंगे, उसका जो भी निपटारा हो सकता है वो आप करने की कोशिश करेंगे, इतना मैं जरूर विश्वास रखना चाहता हूं। गोयल साहब, जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, मोदी जी भी लोग और सरपंच साहबानों ने अपनी अपनी बात रखी है। सबसे पहले आज की जो बड़ी जरूरी चीज है, और मैं भी ये आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि पैडी का जो मुआवजा आपने देना है, 1-25 हजार के करीब के हमारे किसान जो है वो उन्होंने फसल बीमा कवर किया, उसकी डायरेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि इंश्योरेंस कंपनी वाले उनको जो भी रेट है तय रेट है उनको दे दे। किसान बहुत मुश्किल हालात में उनको जो इसके साथ मैं बड़ा जिला है, यहाँ पर 20 ब्लॉक हैं, 21 तहसीलें हैं और 7 सब डिवीजन है। अगर इसके दूसरे पहलू में मैं बात करूं तो श्रीनगर जिला में मुझे लगता है अगर मैं गलत ना हूं तो टोटल 24 पंचायतें हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में आपको पता ही है, आप तो बड़े ऊंचे होते तो रहे हैं, अभी भी हैं,
तो यूनिक जो रुकनात है वो हर जिला को दी जाती है, लेकिन ये सब सिस्टम जो है रैशनलाइज होना चाहिए, क्योंकि जहां लगभग 9 लाख के करीब जहां की पॉपुलेशन है और बहुत ज्यादा है, लेबर क्लास भी है, तमाम जो डेवलपमेंट है, चाहे पानी का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, इसी पे लोड आता है। और आज जो पुनर्वास सेंटर जिला ने खोलिया टांडा घाटा ने खोलिया और पुनर्वास सेंटर जिला चौं तहसीलें का टांडा घाटी कोई नहीं जानता, प्लान लैब का खुलने का डाटा बढ़िया चौं साल का आज टांडा मार्केटिंग सोसायटियां जड़िया ने लोगों मल्ली देना है, मल्टी पेपर सोसायटियां जड़िया ने लोगों मल्ली देना है, उन्हें खाली कराया कोऑपरेटिव जिंदा किया जा, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किसान रीढ़ की हड्डी ही जी किसान की पालती ही इन्हें मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, इन्हें लोगों सियासी लोगों कोऑपरेटिव का बेड़ा गर्क कर दिता, अब कोऑपरेटिव ज्यादा जिंदा किया जा, रणवीर कनाल जी सू विरासत मिली अज रणवीर कनाल की हवा दिता कि 4 बारी एलजी साहब ने आर्डर कटे कि इंप्लॉयमेंट खत्म कर ले, इंप्लॉयमेंट नहीं हुई, आर्डर खत्म हो जाता लेकिन इंप्लॉयमेंट नहीं हुई, 75 साल की जो भी नहर बनी हुई है नहर की डी सिटिंग जी अज तक नहीं हुई, इनके चीफ इंजीनियर डी सिटिंग हुई जी, पोलिटिकल पार्टी डी सिटिंग हुई जी, लेकिन नहर की डी सिटिंग एक बार नहीं हुई, सारिया बंद कर दी पानी भी पीओ, अज इन्हें रणवीर कनाल नंबर 2 इन्हें पापर अपने स्मार्ट मीटर लाए ने, मीटर अज किसान ने अगर पंपियां लाई दी है पंपियां असू भी लाइया कि नलायक गौरमेंट साढ़े पल्ले पईआं, इन्हें नहरा बंद कीतियां, किसान मजबूर ये पंपियां लाने पईआं और पंपियां स्मार्ट मीटर लगे करते हैं और किसान किराया देना पवे और किसान इन्हें की अज इन्हें माध्यम दिया आम अन्न दिया तो बिजली किराया दिया, अस चाहते हैं कि सेंटर गौरमेंट नरेंद्र भाई मोदी जी चाहे पूरे हिंदुस्तान सिस्टम बंद किया जाए मुफ्त का, चाहे जम्मू कश्मीर का किसान ने बिजली इन्हें फ्री दी जा, जो किसान पंप सेट चालू किया है उन्हें जी बिजली फ्री होनी चाहिए है, और पूरे खासकर बासमती जी जम्मू कश्मीर का इतिहास है, श्रीनगर का सेब श्रीनगर सेब खरीदने तैयार उसका रेटकरण किया जा, बासमती कोई नहीं पूछता बासमती चोर जड़े ने हरी कोई गिनती है, अस कहने बासमती का रेटकरण किया जा, बासमती जी है एक पर्सनल उसे कोई बेनिफिट नहीं है, सारी पूरी कम्युनिटी ने उसे जिनी प्रॉपर्टी है सारे ज्यादा बेनिफिट है, एक सर 2018 तो बढ़िया ब्लैक टॉपिंग पीडब्ल्यू वाले ने बिल्कुल नहीं की थी, उसके बाद जुलाई महीने का कंत्राट सुनेगा एसडीएम मैडम मौके ने गए जरा उसे 80 साल के बुजुर्ग हैं उनका लड़ना मुश्किल हो गया, तो ठेकेदार कहना मेरे पास पैसे नहीं है, सर बड़ियाना की गल है 11,000 KV बड़ियाना 30 लोगों के घर चो गुजर रही है, डीसी मैडम भी मौके से गए उसे सारे डीडीसी चेयरमैन साहब भी सी जरा उसका कोई हल नहीं होया, एक्सी साहब ने कैसी मैं पोल दे दिया अज तक सर उसका कुछ नहीं होया, सर म्युनिसिपैलिटी आर एस पूरा 2016 तू म्युनिसिपैलिटी आर एस पूरा 2016 तू 2 किलोमीटर लेंथ ली तभी गंद सुन रही है सर, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा कि तभी प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए है, सर साढ़े ब्राह्मण को अगर डेथ होती है सारा संस्कार उस तो नहीं किनारे होंगे, तो यादव में बड़ी बार क्या है उसका कोई हल नहीं निकलिया, हूं सू आस है कि साड़ी एसडीएम मैडम नवी आई है ये कोई हल करेंगे, उसके बाद सर सर माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है 2014 का हाईकोर्ट का एक आर्डर सी जिस कारण तभी बना सी 2019 का वो आर्डर खत्म हो गया, ठेकेदार साहब ने भी सर 11 करोड़ की सभी ले ली है, लेकिन अज अगर अस उतू रेटा चुक लिया सू पुलिस तंग कर दी है, जाके पुलिस नोटिया की जाए कि सू तंग ना करे, तो जा सर माइनिंग वाले अथॉरिटी दी जाए कि जब तक अगर नहीं कोई ठेकेदार उनके पास सारे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं है फॉरेस्ट वाले की परमिशन नहीं है, मैं माइनिंग सेक्रेटरी को गया सी उन्होंने कहा कि असि जल्दी इधर करेंगे, इधर सुना मैं कहने के माइनिंग डायरेक्टर को एक ऑर्डर किया जाए कि जब तक ठेकेदार परमिशन नहीं मिलती माइनिंग डिपार्टमेंट बैठे रेवन्यू कवर करे लोगों सहूलियत हो, जरा 500 ट्रैक्टर बढ़िया जरा लोगों का एक ट्रैक्टर का 4-4, 5-5 रुपये का कार गुजरता है, 11 बढ़िया पीएसी बढ़िया रोना भरिया जरा उसकी कोई 150 मीटर एच बार लगनी है और लुक पेनी है वो अज तक मैं बड़ी बार क्या 2011 तू देखो 12 साल हो गए अज तक नहीं पी, उसके बाद सर फ्रेट एंड कंट्रोल 2014 च हैवी फ्रेट आया सी जेड़ा पटियाल ब्राह्मणा नु ट्रैक्टर चुकाया सी सर उसका एक प्रोजेक्ट है 52 करोड़ कानवे लग रहा है 26 करोड़ कानवे लग रहा सर वो कागजी भी आए भी ग्राउंड लेवल नहीं हुआ, वेलकम किया जाए, थैंक यू सर।
चाहूंगा सरदार तरनजीत सिंह जी, टोनी, डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़, कृपया मंच पर आए और दो शब्द कह के यहाँ पे हमारे लगता है यहाँ कोई भी अब शख्सियत ऐसी नहीं होगी जिनको राजकुमार गोयल जी पर्सनली नहीं जानते हैं। मैं उनका और साथ ही साथ मेरे शर्मा जी बैठे हैं, तरसेम शर्मा जी बैठे हैं, बीजेपी चेयरमैन हमारे सर, एक तो मसला हर बार होते हैं, एक तो मसला उठता है यहाँ फार्मर्स की, आप देखें रैंडमली प्रश्न उठा लें। मैं तो सुचेतगढ़ की बात करूंगा, 90% करदोरियां पेंडिंग है और मेरा इलाका जो है सफर करता है, इससे जब भी कोई भी फायरिंग हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, मिसिंग। एंड सर एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूं आज आपको कि जनाब आप एक जैसे मेरे वीडियोज हमारे यहां पर हैं वो 6 महीने साल बाद ट्रांसफर हो जाते हैं, रेवेन्यू स्टाफ जनाब वो ईयरली बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो उनके नेक्सस बन जाते हैं यहां पे लैंड ग्रैबर्स के साथ और वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और आप किसी को पूछो करदोरी हुई है, किसी की करदोरी नहीं हुई है और ये दरबार लगाने का फायदा तब है अगर फार्मर को फायदा हो। जनाब सीड आप देखें, पिछली बार हमको सीड मिला, जनाब सीड में खराबी थी और वहां पे हमने कई जगह हमने भारतभूषण जी से टेकअप किया दिया। जनाब मैं कहूंगा लेकिन जो पहले आप जिसके लिए आपको बताना चाहिए वो बताने लगा हूं उसके ऊपर आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के जबरदस्त तरीके से वॉर फुटिंग पे वो काम हो रहा है, इसको स्लो डाउन ना होने देना जनाब, बिकॉज ये आपको प्रिटेन करता है। ये मैं आपने देखना चाहिए मोटर पंप जो लगता है ना हमारा, वो हम आज की डेट में हालात ये हो गया कि मोटर पंप की चोरी होनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो ये जो आपने फ्रंट खोला है जनाब इसके ऊपर के ड्रग्स के ऊपर जैसे अभी फोकस है इसको और बढ़ा दिया जाए, और मेरे ख्याल इन्होंने पहली मीटिंग में यही चीजों को चिन्हित भी किया है। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे और जनाब घर खो रहे हैं, मैं आपको के ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, मैं एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूँ ऑनलाइन उसके। क्या लगता है कि इस पे कुछ कार्रवाई होगी सर? देखिए आज के जो पब्लिक दरबार में बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं सर, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में अपने सुझाव भी दिए हैं, अपनी शिकायतें भी रखी हैं, कुछ लोगों ने रिटर्न मेमोरेंडम दिए हैं, तो उनको हम स्टडी करके अपने अफसरों से बात करके जो उस पर कार्रवाई करना है उस पर किया जाएगा। मैंने अपने बात जब लोगों के सामने रखी उसमें कहा था कि हम इस पर एक्शन टेकन जो है उसको हम रिव्यू करेंगे रेगुलरली, जिससे कि एक लोगों को ये रहे कि हमने जो बात रखी उस पर क्या कार्रवाई, उनको बताना ज़रूरी है मेरे साथ। अब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के आप बारे में कहेंगे तो वो ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो उसको और सभी के ग्रीवेंस थी, शिकायत कही है ग्रीवेंस कही है, तो उसको ध्यान से स्टडी किया जाएगा, बिना स्टडी किए कुछ बोलना जो है शायद उचित नहीं होगा। ठीक है, आइए सर।